यस, ये विकेट पे बहुत अच्छा हम लोग ने रिस्ट्रिक्ट किया 175, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है कंपैरेटिवली और विकेट इतना बुरा नहीं था। सो आई गेस 175 हमको लगा कि टोटल चेजेबल है ये ग्राउंड पे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ खेले थे 196 था और हम लोग ने कुछ 14-15 ओवर में चेज किए थे लास्ट ईयर। सो 175 उससे तो बेटर ही था, और जैसा हम लोग का बैटिंग ऑर्डर है वैसे ये चेज मुझे लगा हम लोग चेज कर पाते। मतलब पिच इतना बुरा नहीं था, पिच अच्छा ही था, बैटिंग विकेट ही था, थोड़ा स्लोअर साइड था, मतलब इतना भी फ्लैट नहीं था, थोड़ा स्लोअर साइड था, बट ग्राउंड इतना छोटा है कि वो कंपनसेट कर रहा था। सो आई गेस अच्छा है, फाइनली हम लोग मैच जीते, और अभी हम लोग के लिए सब मैच डू और डाई, और आज के मैच से स्टार्ट हो, और अच्छा है हम लोग जीते और आगे यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करना चाहेंगे। आई गेस टीम सबसे पहले, इंडिविजुअल से ज़्यादा। सो जब सिचुएशन होता है तब मैं बॉलिंग डालता हूँ, कोई और नहीं डालता। आज जैसे कि उनमें लेफ्ट हैंडर्स दोनों खेल रहे थे एक ही टाइम पे, क्रिस गेल और युवराज सिंह। सो उस टाइम सिचुएशन नहीं था कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग डाले। सो कभी होता है आप डालते हो, कभी नहीं होता, इवेंचुअली जो मैटर करता है वो टीम को जीतना है। तो मैं खुश हूँ क्योंकि टीम जीतना फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे लिए। आई गेस ये ग्राउंड पे मेन चीज़ वही है, मैं वापस जैसे पहले बोला कि कोई भी जो भी रन है चेजेबल है यहाँ पे, क्योंकि अगेन जैसा ये ग्राउंड है हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो ऐसा हमको तो बाहर डगआउट से कभी ऐसा नहीं लगा, या जब मैं खेलने गया कि टारगेट बहुत बाहर है, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, हमेशा वो बिलीव था, बाहर भी बैठा था और जब खेल रहा था कि ये टारगेट चेजेबल है। आपको के साथ आप कहते थे हाँ, आई गेस पर्सनली खुश हूँ, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट मैच में भी सेम अपॉर्चुनिटी था आरसीबी के सामने, लास्ट 5 ओवर में कुछ 60 रन चाहिए थे और उस टाइम मैं डिलीवर नहीं कर पाया टीम के लिए। सो मैं थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेटेड था ये गेम में कि मुझे इस बार टीम को जिताना है। सो अच्छा है कि इस बार मैंने टीम को हेल्प किया और जिताया, खुश हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली खुश तो रहूँगा क्योंकि अच्छा टीम के लिए किया है, बट मेन चीज़ वही है कि टीम जीता, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट रादर देन इंडिविजुअल। आई गेस फाइनली आपको रिजल्ट से पता चल ही गया, रोहित शर्मा वो पीछे क्रूशल जो उन्होंने 2 सिक्स लगाए एक ओवर में और 3 जो चौके मारे, वही मैच टर्निंग चीज हुआ। तो अगर आप पॉजिटिव साइड से देखो तो रोहित शर्मा की वजह से ही हम जीते, आप बोल सकते हो। आई गेस टीम अगेन सिचुएशन पे मैटर करता है, बैटिंग कॉम्बिनेशन पे मैटर करता है, तो हमारी टीम में वही है कि कोई भी नंबर पे कोई भी बैट्समैन एक्चुअली बैटिंग कर सकता है, तो एज अ बैट्समैन हम लोग सब फ्लेक्सिबल है, कोई से भी सिचुएशन में जाके खेलना पड़ेगा। किंग्स का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहा था, गेल राहुल बाकी प्लेयर भी अच्छे बैटिंग कर रहे थे, कोई स्पेशल प्लान था क्या आपके जो पेसर्स थे आई गेस ऑब्वियसली उनका बल्क ऑफ द रन जो किंग्स इलेवन के टीम ने किए वो स्पेशली टॉप 2 ने किए। राहुल बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है पूरा आईपीएल सीजन, और गेल भी यूनिवर्स बॉस बोलते हैं उनको, तो वो भी बहुत अच्छे टच में। आई गेस हम लोग ने बहुत अच्छा बॉलिंग डाला पावर प्ले में, जिस तरीके से हम लोग ने स्लोअर बॉल यूज़ किए और चेंज ऑफ पेस यूज़ किए बुमराह और मिच मैकलानेगन ने। सो बहुत क्रूशल टाइम पे सही बॉल डाले और उसी के वजह से आई गेस थोड़ा हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर पाए उनको।